दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर। जहां दोस्तों फिलहाल 28 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है किच्चा सुदीप की फिल्म विक्रांत रोना, और सिनेमाघरों में ये फिल्म खूब धमाल मचा रही है। और फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर भी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया है और कुछ गिनी चुनी फिल्मों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की 5 सबसे बड़ी फिल्मों के बारे में जिन्होंने अपने ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है, इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी। तो बात करेंगे इसी के बारे में। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों अगर बात करें सबसे पहली जो नंबर 1 पर फिल्म है वो है ट्रिपल आर, जहां दोस्तों एसएस राजामौली के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसमें रामचरण और जूनियर एनटीआर अहम किरदार में नजर आए थे। फिल्म ने इंडिया के अंदर 130 करोड़ रुपए की बेहतरीन ओपनिंग ली थी और वहीं पूरे वर्ल्ड में फिल्म ने 223 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। और ये फिल्म अभी पहले नंबर पर आती है सबसे ज्यादा ओपनिंग कमाई करने के मामले में। वहीं अगर दूसरे नंबर की बात करूं मैं तो दूसरे नंबर पर है एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली 2, जिसमें प्रभास अहम किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म ने इंडिया में 121 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी और वहीं वर्ल्ड वाइड फिल्म का कलेक्शन था 217 करोड़ रुपए का। तो ये फिल्म दूसरे नंबर पर आती है सबसे ज्यादा ओपनिंग करने के मामले में। वहीं तीसरे नंबर पर है रॉकिंग स्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2, जहां दोस्तों इस फिल्म ने इंडिया में 116 करोड़ रुपए का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और वहीं पूरे वर्ल्ड में इस फिल्म ने 166 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। वहीं चौथे नंबर पर जिस फिल्म का नाम है वो फिल्म है साहो। इस फिल्म ने इंडिया के अंदर लगभग 88 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी और वहीं वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 125 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वहीं अगर मैं पांचवें नंबर की बात करूं तो पांचवें नंबर पर आती है अक्षय कुमार और रजनीकांत सर की 2.0, जिसने इंडिया के अंदर 85 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी, वहीं वर्ल्ड वाइड फिल्म ने लगभग 110 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वहीं अगर बात करें विक्रांत रोना की तो इस फिल्म ने इंडिया के अंदर 19 करोड़ 60 लाख रुपए की बेहतरीन ओपनिंग ली है। वहीं फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो लगभग 25 करोड़ 50 लाख रुपए का है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि किच्चा सुदीप की फिल्म विक्रांत रोना इस टाइम इतनी सारी फिल्में सिनेमाघरों में चल रही है उसके बावजूद भी 25 करोड़ 50 लाख रुपए की ओपनिंग वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन आपको इसमें क्या है कहना, इन सभी में आपको कौन सी है सबसे ज्यादा पसंद फिल्म, कमेंट में जरूर बताइएगा।